आज आपको नई तरह की जानकारी लेकर आए हैं। आम मौसमी फल है, लेकिन आम की एक ऐसी किस्म तैयार कर ली है जो साल भर फल देती रहेगी। नाम है सदाबहार। जी हाँ, सदाबहार नाम की इस किस्म को कोटा के किसान ने विकसित किया है। इन पौधों को राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन में भी लगाया गया है। श्री सुमन को इस किस्म के पौधों के लिए प्रतिदिन ऑर्डर मिल रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि सदाबहार आम की और भी कई खूबियां हैं। यह स्वाद में ज़्यादा मीठा और कुछ कुछ लंगड़ा आम जैसा होता है। इसका पेड़ छोटे आकार का होता है, इसे किचन गार्डन में भी उगाना संभव है। इसे कुछ साल तक गमले में भी उगाना संभव है और जब पेड़ बढ़ने लगे तो जमीन में भी लगाया जा सकता है। इस आम का गुद्दा गहरे नारंगी रंग का। दोस्तों, फिर एक बार कह रहा हूँ कि सदाबहार आम की किस्म के पौधे अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को आप देखा। पी फाउंडेशन एवं ISAP द्वारा एकीकृत कृषि IFS पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना था। इसमें श्री सुमन को किसान विज्ञान पुरस्कार सदाबहार आम की किस्म की पैदा करने के लिए सदाबहार आम की किस्म के पौधे भारत के राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला में अखबारों में चर्चे प्रसिद्ध हैं। साथ ही विदेशों में भी इस पौधे की सप्लाई की जा रही है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे कितनी कमाई की जा सकती है। श्री किशन सुमन ने अपनी आय में जिस प्रकार से वृद्धि की और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, उसको क्राफ्टिंग विधि कहते हैं। क्राफ्टिंग विधि अपना करके श्री सुमन ने ये साबित कर दिया कि नई तकनीकी का सहारा लेकर के किसान अपनी आय को दुगना कर सकते हैं और ऐसे ही वर्ष भर फल फूल देते रहने वाली किस्म तैयार की जा सकती है। एक्टिविटीज वाइज इनकम कॉस्ट बेनिफिट रेशो ग्रॉस एंड नेट इनकम प्रतिवर्ष देखें तो श्री सुमन ने 2016 में सदाबहार आम किस्म की खेती आरंभ की थी। उस समय 500 प्लांट सेल किए थे। इनसे 150,000 रुपये की आय हुई थी। धीरे धीरे प्रतिवर्ष आम का व्यवसाय बढ़ता गया और 2020 में 1500 प्लांट सेल किए, जिससे 12,00,000 रुपए की आय हुई। 3 बीघा की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आसानी से इतनी कमाई की जा सकती है। दोस्तों, आप भी ऐसी फसल से आय बढ़ाना चाहते हैं तो श्री किशन सुमन से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सुमन, ग्राम और पोस्ट गिरधरपुरा, वार्ड नंबर 1, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा का रहने वाला हूँ। एक साधारण किसान हूँ और मैंने जो कृषि के क्षेत्र में एक काम किया है, वैरायटी बनाई है, सदाबहार आम के नाम से जानी जाती है। ये वैरायटी बनाने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यह था, जो किसान लोग आम के बगीचे लगाते हैं उनको पता नहीं रहता था कि भाई हर साल आम में फसल आएगी नहीं आएगी। खर्चा दो साल हो जाता था, पर उनको एक साल फसल मिलती थी, एक साल नहीं मिलती थी, तो उसका नुकसान होता था। जो अब पूरे
साल भर फल देती है, साल में 3 बार फल दे देती है। फल की जो क्वालिटी है आपको शाम से मिलती जुलती है, लेबोरेटरी टेस्टेड है और इसको राष्ट्रपति भवन में भी 4 पौधे लगाए गए हैं हमारे टेस्ट करने के बाद। इसका जो स्वाद है अल्फांसो आम से मिलता है और इसका आकार भी आपको शाम से मिलता है। तो किसानों के लिए ये वैरायटी बहुत अच्छी है। मांगा था कभी एक बार ही मेरे को साल में एक बार मेरे हाथों से ऐसी वैरायटी बने जो हर साल फल दे, और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि ऐसी वैरायटी बन गई जो साल में 3 बार फल देती है। तो मैं किसान लोगों को, किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा और किसान की आमदनी भी पूरे साल भर